नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे तीन कारणों के बारे में जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आपको नहीं रुक रही है या फिर अर्ली मिस कैरेज हो जाता है या फिर कई बार बेबी और सेक सब कुछ अच्छा होता है गर्भधारण भी हो जाता है पर फिर भी हार्ट बीट नहीं आ पाती है तो ऐसी क्या कारण होती है ऐसी क्या सावधानियाँ होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी प्लान करते समय या फिर जब आपने कॉन्टेक्ट में रहा है उसके बाद ही जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं ट्राई करते हैं तो आपको ध्यान में रखनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कई सारी महिलाओं के साथ जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं काफ़ी टाइम से उनके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि अर्लीयर मिस हो जाते हैं या फिर बेबी का हार्ट बीट नहीं आता या फिर किसी वजह से आपको गर्भधारण नहीं होता तो ये सारे क्यों होते हैं कारण और इसके पीछे आपको क्या सावधानियां बरतनी है ये इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स और जो भी नए व्यूवर्स हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिलाईकन ऑन कर लें ताकि ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलते रहें फ्रेंड्स और आप भी सफलतापूर्वक जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर लें आइए फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी कंसीव यानी अर्लियर इम्प्लांटेशन के टाइम पे जब गर्भधारण हो जाता है महिला को तो उसके बाद बेबी की हार्ट बीट जो होती है वो सिक्स वीक्स में स्टार्ट हो जाती है आप सोनोग्राफी कराएंगे आपको वहाँ पे पता लगने लगेगा योग से एक बन जाएगा ये सारी चीज़ें सोनोग्राफी में डिटेल्स में दिखाई देती है लेकिन कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ असावधानियों की वजह से कई बार अर्ली मिसकैरेज हो जाते हैं बेबी की हार्ट बीट आती ही नहीं है या फिर बेबी की हार्ट बीट आने के बाद धड़कने रुक जाती हैं तो ऐसा कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है उन सभी महिलाओं के लिए जो बहुत ही जल्दी गर्भधारण करना चाहती हैं और कई सालों से उनको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होता है कि जब भी आपका ओवलेशन टाइम होता है और इम्प्लान्टशन होता है ऐसे समय में कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए लेकिन फ्रेंड्स इसके पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है जो अर्लियर मिसकैरेज होते हैं या बेबी के हार्ट बीट नहीं आती है किसी भी तरीके से आपकी प्रेगनेंसी फ़ेल हो जाती है गर्भधारण नहीं हो पाता है या होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है तो ये क्यों होता है अर्लियर फेज में जहाँ पे शिशु के अंग भी डेवलप नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स इसका कुछ कारण होता है जो साइंटिफिक हो होता है इसमें सबसे पहला जो कारण होता है फ्रेंड्स वो होता है क्रोमोजोम का सही तरीके से नहीं मिलना काफ़ी सरल और आसान भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि जो महिला और पुरुष होते हैं एक और स्पम्प जब मिलता है तो महिला और पुरुष के अंदर तेईस क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं और ये दोनों मिलकर पेयर में डिवाइडेड अगर मिल जाते हैं जोड़े बन जाते हैं तो ये छियालीस गुणसूत्र होते हैं ये एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर होता ही है ताकि जो अगली पीढ़ी है वो भी सामान्य रूप से रहे इनमें किसी तरीके की असाधारण गतिविधियाँ ना हो जैसे कि जिन बच्चों की क्रोमोजोम संख्या में ऊपर नीचे हो जाता है जैसे छियालीस की जगह पे काफ़ी कम गुणसूत्र ही मिले तो ऐसे बच्चों में बहुत सारी परेशानी होती है मानसिक रूप से अब नॉर्मलिटी आपको दिखेगी या फिर शारीरिक रूप से कुछ कमी होती है ऐसे कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स अगर क्रोमोजोन सही तरीके से छियालीस नहीं हो पाते हैं तो अट्लीयर मिसकैरेज हो जाते हैं और ये काफ़ी दुखद होता है लेकिन फ्रेंड्स इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है साइंटिफिक है प्राकृतिक तरीका होता है अपने आप ही भगवान के द्वारा जो चीज़ें सही रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं वो कई बार इस दुनिया में नहीं आ पाती हैं सेकेंड रीज़न होता है फ्रेंड्स कई बार हमारे कुछ असावधानियों की वजह से ऐसा हो जाता है जैसे कि महिला के पीठ पे ज़्यादा जोर पड़ना अगर आप इम्प्लांटेशन के दिनों में इम्प्लांटेशन हो रहा है और काफ़ी हेवी किसी बकेट को उठाया है या कांटेक्ट बनाने के समय किसी ऐसी गतिविधियों में आप हैं जहाँ पर आपके लोअर एबडोम पर बहुत झटका लगा है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको मिसकैरेज हो जाता है इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि महिला का यूट्रस काफ़ी ज़्यादा वीक होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी तो गेन हो जाती है इम्प्लांटेशन भी हो जाता है लेकिन बच्चे के दिल की धड़कन आती नहीं है या फिर आने के बाद फिर से ख़त्म हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपका यूट्रस जो है कैपेबल नहीं है नाइन मंथ प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए इस वजह से ऐसा प्राकृतिक रूप से हुआ है तो इसी चीज़ पे आज हम कैसे इस चीज़ को ठीक करेंगे चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स आगे हम ये जानेंगे फ्रेंड्स कि जब आपका ओबलेशन का टाइम आता है जब आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है उसके बाद आपको क्या करना है तो इम्प्लांटेशन के दिनों में सबसे पहला आपको क्या करना है फ्रेंड्स के स्ट्रेस नहीं लेना है आपके स्ट्रेस लेने की वजह से जो हार्मोन्स होते हैं पोजेस्ट्रॉन गर्भ धारण करने के बाद भ्रूण के विकास के लिए वो ठीक तरीके से अपना लेवल नहीं बढ़ा पाते हैं जिसकी वजह से इम्प्लान्टशन फेल हो जाता है इसके अलावा सेकेंड रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जब भी इम्प्लान्टशन के दिनों में आप रहोगे आपको हेल्दी डाइट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है विदाउट ए स्ट्रेस हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि जो नेचुरल साग सब्जियां होती हैं जिनमें आयरन बहुत ही अच्छे से होती है कार्बोहाइड्रेट नेचुरल तरीके से मिलता है प्रोटीन अच्छे से लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यह आपके गर्भाशय को मजबूत करता है और साथ ही साथ किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी गतिविधि ना करें जो कि आपके लेवर एब्डोमिनल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देता हो ये आपको ध्यान में रखना होगा अब काफ़ी सारी महिलाओं को ओबलेशन की तो जानकारी है कि आपके पीरियड के मिड पार्ट में ओबुलेशन होता है लेकिन ओबलेशन के तुरंत बाद आठ दिन जो रहता है वो इम्प्लांटेशन का रहता है बहुत ज़रूरी है तो जब इम्प्लान्टशन का दिन स्टार्ट होता है जब आवरोपन का काम स्टार्ट शरीर करता है इस समय आपको हेयर वॉश भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न तो नहीं है हेयर वॉश करने के पीछे लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली ये समझने वाली बात ये है कि जब आप हेयर वॉश करते हैं आपका स्काल्प काफ़ी ड्राई होता है और इस कंडीशन में आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाता है और इम्प्लांटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है तो इसके लिए भी आप हेयर वॉश ना करें करीब वन वीक तक तो बिल्कुल ही ना करें आफ्टर ओवुलेशन कई सारी महिलाओं ने इन सारी टिप्स से कंसीव भी किया है तो फ्रेंड्स आप भी ये जरूर अपनाएं इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ विटामिन को जरूर लेना चाहिए शामिल करना चाहिए आपके डेली के रूटीन में जैसा कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले से ही फोलिक एसिड की गोलियां लेना स्टार्ट करना होगा ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है पूरे नाइन मंथ प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की गोलियां चलती ही रहती हैं तो अगर आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है और ये सारी कंडीशन आप फेस कर चुके हो एक बार भी या फिर आगे ऐसी कोई परेशानी आपके साथ ना हो इसके लिए आपको आपके शरीर को फोलिक एसिड की काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है और इसके लिए आपको फोलिक एसिड की गोलियाँ लेनी चाहिए इसके अलावा ही आप मल्टी विटामिनस की गोलियां भी ले सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि जो नेचुरल डाइट होती हैं इनमें बहुत सारी विटामिन होती हैं जैसे आप वेजिस जो खाते हैं हरे पत्तेदार सब्जियाँ जो होती हैं इनमें मल्टीपल विटाम्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आपूर्ति जो होती है वो पूर्ण रूप से देती है प्रेगनेंसी गेन करने के लिए इसके साथ ही किसी भी तरीके से बैड हैबिट्स को नहीं अपनाना है जैसे कि आप स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है साथ ही साथ आपके सोने उठने का रूटीन सही होना चाहिए इसके अलावा फ्रेंड्स आपका माइंड जो है वो नॉर्मल तरीके से वर्क करना चाहिए कई सारी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मलिटी रहती है बहुत ही ज़्यादा वो उदास रहती हैं कंसीवमेंट को लेके तो इस तरीके से भी आपको नेगेटिविटी नहीं लाना है क्योंकि जब आप नॉर्मल रहेंगे तभी आपके सारी चीज़ें वर्क करेंगी जो भी आपको टिप्स मैं देती हूँ और इसके साथ ही जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ हेल्दी डाइट में शामिल करना वो भी लेना है जो गलतियां हैं उसको रिपीट नहीं करना है ताकि आपको गर्भधारण जल्द से जल्द हो सक्सेसफुली और नेचुरल तरीके से हो फिर भी फ्रेंड्स कई सारी महिलाओं को पीरियड में परेशानी होती है ऑपरेशन में परेशानी होती है तो आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन मुझसे कर सकती हैं इसकी रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी आपको और मोर देन फिफ्टीन वीडियोज़ को देखना स्टार्ट करिए प्रीवियस के जो वीडियोज़ हैं उनमें कई सारे ऐसे वैल्यूएबल आपको दी गए हैं जानकारी जिनमें कि आप ऑपलेशन ट्रैक कर सकती हैं नेचुरल तरीके से पीरियड साइकिल को ठीक कर सकती हैं अगर किसी भी तरीके का हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से दूर हो सकता है क्योंकि प्राकृतिक जो इलाज होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक ठहरता है फ्रेंड्स आप हमेशा गोलियां नहीं खा सकती हैं प्राकृतिक रूप से लाइफ स्टाइल ठीक करके जो समस्याएं छोटी छोटी हैं वो दूर हो जाएगी और आपकी प्रेगनेंसी जो है नाइन मंथ वो भी ठीक से रहेंगी बीच में कभी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी फ्रेंड्स तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताए हैं वीडियोज़ में छोटे छोटे टिप्स उसको जरूर फॉलो करना है, स्टार्ट कर दीजिए वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करूँगी फिर से मिलेंगे जल्दी एक नई टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों टेक केयर नमस्कार